देश की नवादा की जनता किन के साथ है? नवादा की जनता विकास के साथ है, हमारे विकास पुरुष नरेंद्र मोदी जी के साथ है। राममय मोदी है, इसके सिवा और मतलब पूरा नवादा राममय हो गई है, निश्चित कहीं कोई नहीं, कोई टक्कर नहीं है। मोदी ने जितना काम 10 वर्षों के अंदर कर दिया, दूसरी सरकार 70 वर्ष में भी उसको नहीं। मोदी जो है जो क्या से क्या कर दिए, मेरा भारत इतना पीछे था, इतना आगे विकास कर दिए हैं। भारतीय जनता दल पार्टी जिंदा है। मोदी नहीं, ये श्री राम भगवान है। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है, आपके अपने सपनों का आशियाना। नमस्कार, मैं विकास सिंह और आप देख रहे हैं भारत लाइव। इस वक्त हम अगर बात करें तो नवादा में है, नवादा में विवेक सिंह जो हैं वो ताल ठोक रहे हैं। तो दूसरी तरफ अगर हम बात करें तो नवादा के ही रहने वाले गुंजन सिंह भी हैं, लेकिन लोग हैं जो आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को सुनने के लिए जा रहे हैं। हम इनसे बात करते हैं, कहाँ से हैं आप लोग? हम लोग हिसुआ विधानसभा क्षेत्र अकबरपुर ब्लॉक से हैं। मोदी जी को सुनने के लिए जा रहे हैं, महागठबंधन कल जमुई में। मोदी जी को यानी राष्ट्र को सुनने के लिए जा रहे हैं। मोदी जी यानी भारत का राष्ट्र, मोदी जी भारत का अस्तित्व, मोदी जी भारत की वनली आशा। लेकिन महागठबंधन कह रही है कि मोदी जी अगर चुनाव जीतते हैं तो राष्ट्र के नाम पर, धर्म के नाम पर, जाति के नाम पर, विकास के नाम पर नहीं। काश महागठबंधन सपना में भी झूठ नहीं बोलता, सच बोलता तो बड़ा अच्छा होता। ये तो महागठबंधन का काम है विकास के जगह पर विनाश करना, और मोदी का काम है केवल और केवल विकास करना, विनाश सपना में भी नहीं। आप क्या कहेंगे? ये तो कह रहे हैं कि मोदी जी विकास कर रहे हैं, लेकिन महागठबंधन कह रही है कि वो देश को बेच रहे हैं, विनाश कर रहे हैं। देश को बेच रहे हैं महागठबंधन कर रहा है। आपने 70 सालों से देखे देश की क्या स्थिति था, आज आप 10 साल के अंदर में देख रहे हैं, देश विश्व में एक नाम कमाया है, विश्व में एक अपना स्थान बनाया है। आपको भारत में कर्ज से डूबा था, आज भारत गर्व से कह रहा है कि हम विश्व का 3रा नंबर बनने जा रहे हैं। तो देश की नवादा की जनता किन के साथ है? नवादा की जनता विकास के साथ है, हमारे विकास पुरुष नरेंद्र मोदी जी के साथ है। जो देश की सुरक्षा के लिए वो गारंटी है, जो काज कहते हैं वो गारंटी के साथ पूरा कर रहे हैं। देखिए, हमारे साथ जल हो, शौचालय हो, आपके हर तरह बिजली का हो, हर तरह का व्यवस्था उन्होंने कहे और कर रहे हैं। महिला हमें नजर आ रहे हैं, हम इनसे बात करें। कहाँ से आए हैं माँ? नवादा से। नवादा से हैं। किकरा वोट देवे? कमल। कमल के? विवेक के। हाँ, मतलब विवेक से काम लेंगे, विवेक को वोट देंगे? मोदी जी के साथ है? साथ। महागठबंधन के साथ नहीं है? लालू जी पसंद नहीं है? जो बोल दिए ना, हाँ, हम लोग मोदी जी के साथ है। मोदी जी के साथ है। देखिए, महिलाएं हैं, महिला आखिरकार हमेशा से मोदी जी के साथ रही है, बात मोदी जी बार बार कहते भी हैं। हम और भी लोगों से बात करेंगे, युवा पीढ़ी है, मोदी जी के साथ या महागठबंधन के साथ? कौची बोले, मोदी जी का तो लहर चल ही रहा है, पूरा है, पूरा पूरा कहीं नहीं टक्कर में है। मोदी मई है। कहाँ आप आरएसएस के संचालक हैं, बहुत पास से आप बीजेपी को देखे हैं, कहा जाता है कि बीजेपी की जननी भी रही है आरएसएस, वैसे में मोदी जी आ रहे हैं, मोदी जी का काम सबसे अच्छा अभी तक आपको क्या लगा? सबसे सबका साथ, सबका विश्वास, सबका विकास। मोदी जी का जो मंत्र है सबों के लिए है, मोदी जी किसी एक के लिए नहीं, पूरा परिवार मोदी जी का है, इसलिए उससे और बढ़कर क्या। लेकिन हम तो जहाँ जा रहे हैं वहाँ पर एक ही चीज़ सुनने को मिल रहा है हमें, कि जो राम को लाए हैं हम उनको लाएंगे। राम कैसे आ गए बिना मोदी जी के? आज तक काहे ना आए थे, सारे लोग तो थे, जब से मोदी जी आ गए राम भी आ गए। अब हमारा काम है ये राम का आवाज़, अंतरात्मा की आवाज़ है, अंतरात्मा की आवाज़ है। मोदी जी क्या है? राम है, राममय मोदी है, इसके सिवा और मतलब पूरा नवादा राममय हो गई है, निश्चित कहीं कोई नहीं, कोई टक्कर नहीं है, कोई नहीं, कोई टक्कर में नहीं। कल हम 3 दिन से लगातार जो कहते हैं लोग कि कोयरी कुर्मी, उन गांवों में हम घूम रहे थे, हमारे साथ पटना का टीम चल रहा था,
कहीं तो नहीं कुछ, सब लोग देख रहे हैं आज नरेंद्र मोदी को और नीतीश कुमार को, बीच में कहीं कोई नहीं। अब लालटेन का युग होगा, तेल मिलता है करासन, जो ये सब सोच रहे हैं लालटेन में। युवा पीढ़ी है, हम युवाओं से बात, युवा पीढ़ी है, हम युवाओं से बात करेंगे। आप कहाँ से? हम वारसलीगंज से हैं, पूर्व नगर अध्यक्ष भाजपा है। और आप देख ही रहे हैं कि मोदी का क्या लहर है। मोदी ने जितना काम 10 वर्षों के अंदर कर दिया, दूसरी सरकार 70 वर्ष में भी उसको नहीं कर। लेकिन जो अभी नई गठबंधन बनी है, इंडिया गठबंधन, वो तो कह रही है कि काम तो कुछ किए ही नहीं है, एक दो काम बता दीजिए। क्या गठबंधन है भाई? इंडिया गठबंधन का गठबंधन है कहाँ? वहाँ कांग्रेस लड़ रहा है, वहाँ बंगाल में ममता लड़ रही है, उधर आप लड़ रहा है। कौन गठबंधन, कैसा गठबंधन? हमको नहीं लगता है कोई गठबंधन है, स्वार्थ में सारे गठबंधन है। जो चुनाव होते होते सब बिखर जाएंगे। कोई किसके खिलाफ लड़ रहा है? यहाँ देखिए पप्पू जी लड़ रहे हैं, भाई हम निर्दलीय लड़ेंगे। क्या चीज का गठबंधन है बता दीजिए? कोई गठबंधन नहीं, गठबंधन खत्म है। वो खत्म गठबंधन है, और गठबंधन एक ही है, वो एनडीए है, जहाँ सब मिलजुल के सब काम कर रहा है। नीतीश बाबू हैं, मोदी जी हैं, हमारे हम के मांझी जी हैं, उपेंद्र कुशवाहा जी हैं, चिराग जी हैं, और साथ साथ में पारस जी भी हैं, सब मिल के लड़ रहे हैं। तो कहीं कोई जगह नहीं है। तो नवादा किसके साथ है? नवादा तो प्योर जो है सो भाजपा के साथ है, सारे गठबंधन साथ में है, कहीं कोई लड़ाई नजर नहीं है। कोई लड़ाई नजर आवे तब ना आपको बता मैं सर, कोई लड़ाई नहीं है। लेकिन महागठबंधन कह रही है कि हम 400 सीट जीतेंगे इस बार, एकदम समटा देंगे। वो तो समय बताएगा, जब चुनाव का रिजल्ट आएगा तो हम भी देखेंगे, आप भी देखिएगा कि क्या होने वाला अच्छा, है। यहाँ पे बहुत भीड़ लगा है, हम चाहेंगे मोदी जी के लिए आप लोग क्या कहना चाहते हैं? सब एक साथ हैं, हम ये कहना चाहते हैं, हम जब निर्दलीय से सरवन कुशवाहा जी लड़ रहे थे तो उनका हम सपोर्टर थे। जिस दिन आरजेडी का टिकट ले लिए उस दिन हम भी कुशवाहा है उनको छोड़ दिए, क्योंकि हम मोदी भक्त हैं। मोदी से बढ़िया नेता ही पूरा विश्व में नहीं है, पूरा लोग जानते हैं। मोदी जो है जो क्या से क्या कर दिए, मेरा भारत इतना पीछे था, इतना आगे विकास कर दिए हैं, इसके सिवा हमको कुछ नहीं चाहिए। इसलिए हम बहुत बड़ा मोदी का फैन भी है, उनको दिल से चाहते हैं, बीजेपी भक्त हैं। बोलिए जय श्री राम, जनता दल पार्टी जिंदाबाद। मोदी नहीं, ये श्री राम भगवान है, ये भगवान का ही रूप है और भगवान के रूप में अवतार लिए हैं। ये मोदी नहीं, ये राम जी खुद हैं, इसलिए इंडिया में सबसे बड़ा महत्व इन्हीं का है। नवादा की जो जनता है वो राम में मोदी जी को देखती है। जी, केवल राम ही है, ये राम का अवतार लिए हैं कलयुग में। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। अगर वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी, तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतनी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली, 9386816700। धन्यवाद।